हमारी हर समय जिज्ञासा होती है कि काश पशुओं की बोली हम समझ जाते, काश कोई भी पक्षी कुछ बोलता तो हम समझ जाते। ऐसा संभव है? हर जानवर की बोली जानने का कोई मंत्र होते हैं जिनको आप जप कर जानवरों की बोली समझ सकते हैं। हालांकि जो पशुपालक होते हैं, वन के अधिकारी होते हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होते हैं, या सर्कस से कनेक्टेड होते हैं, या चिड़ियाघर में काम करते हैं, तो वो पशु पक्षियों की हरकतें पहचान जाते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए इससे स्किन के बारे में जानना संभव नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे आप कौवा क्या बोल रहा है। अक्सर कुछ घरों के बाहर कौवा आता है और कौवा उस घर के बाहर बैठकर कोई बोली बोलता है। उसकी बोली पर अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ शब्दों की विभिन्नता होती है। कई बार अलग आवाज़ में निकालते हैं, कई बार अलग आवाज़ में कौवे बोली निकालते हैं। तो कौवों की बोली का क्या मीनिंग है, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। इसके लिए आपको बहुत परफेक्शन की ज़रूरत है। और मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं ऐसा दावा नहीं करती कि पशु पक्षियों की बोली आप समझ सकते हैं। ये आपके बुद्धि विवेक पर है कि आपने कितनी मेहनत इस क्षेत्र में की है, कितना मंत्र जाप आपने किया है, या कितना परफेक्शन से उसको समझने का प्रयास किया है। ये इट्स टोटली अप टू यू। ये आप पर निर्भर करता है। इसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है, बुरा मत मानिएगा। डिस्क्लेमर आज की ज़रूरत बन पड़ी है, तो इसीलिए मैं अपने प्यारे भाई बहनों को डिस्क्लेमर दे रही हूँ और इसको आप पालन करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आप ज़्यादा शिद्दत से आप कौवे की बोली जानने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं वो क्या आगाह कर रहा है, अच्छी बात बोल रहा है या बुरी बात बोल रहा है, आपको आगाह कर सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके हालचाल जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, यही ब्लेसिंग्स मेरी उनके लिए होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो बहुत रोचक होने वाला है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें काक तंत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है और कौवे की जो बोली होती है उसका भी विस्तृत वर्णन किया गया है कि कौवा क्या शब्द उच्चारण कर रहा है, उसका क्या महत्व है। इसको शकुन शास्त्र से भी बहुत बारीकी से जोड़ा गया है और शकुन शास्त्री इसको समझ के प्रेडिक्शन कर सकता है। आपने देखा होगा कि कौवा अलग अलग आवाज़ें निकालता है। एक कौवा दूसरा कौवा अलग अलग होता है, स्वरूप में तो एक जैसा हो दिखता है लेकिन अलग अलग आवाज़ें निकालने में माहिर होता है। तो कौवे की आवाज़ से आप क्या पहचाने कि आपके ज़िंदगी में क्या शुभता हो रही है, क्या मनहूसियत हो रही है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप जान सकते हैं। लेकिन बारीकी से समझना ज़रूरी होगा। और कौवा की क्या क्या बोलता है, उसकी वाणी कैसी होती है, आज मैं आपको बता रही हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आपके दरवाजे पर या आपके घर के समीप कौवा क्वाक क्वा बोलता है, आधा क व क्वाक क्वा क्वाक 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 क्वा ऐसा बोलता है, तो आपका बहुत भला होने वाला है, ऐसा आपको मानना चाहिए। अगर आपके द्वार पर कौवा कह कह बोल रहा है, क फिर विसर्ग और दोबारा क और विसर्ग, कह कह बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको सरकारी दंड मिल सकता है, आपको किसी राजनीतिज्ञ के द्वारा परेशानी हो सकती है। अगर कौवा बोलता है करकम करकम, करकंग, इस तरह से उच्चारण करता है, तो बहुत से लोग आपको मिलने को आ सकते हैं, आपको मिलने को आतुर हो सकते हैं, आपका सोशल गेट टुगेदर हो सकता है। अगर कौवा कुरल्लू कुरल्लू बोलता है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ अच्छा होने वाला है, आपके जीवन में खुशी का कोई अवसर आने वाला है, ऐसे आपको समझना चाहिए। कौवा अगर केरम केरम बोलता है तो ये अनिष्टकारी होता है और अशुभता का द्योतक है, कुछ अशुभ घटना घट सकती है आपके साथ में, ऐसा मानना चाहिए। कौवा अगर कुरुतम कुरुतम बोलता है तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि आपका किसी से झगड़ा हो सकता है। कौवा अगर कै कै बोलता है, कै कै ऐसा बोलना, ऐसा इस बात का द्योतक है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पतिव्रता स्त्री आएगी और आपका भला करेगी, ऐसा आपको मानना चाहिए। कौवा अगर कै 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 बोलता है तो आपके ज़िंदगी में दौलत आने वाली है, अर्थात संपत्ति मिलने वाली है, ऐसा आपको मानना चाहिए।
कौवा अगर कौ 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 करता है तो चोरी का भय होता है, तो आपको सावधानी रखनी अपेक्षित होती है। कौवा अगर क्रीम क्रीम बोलता है तो खूबसूरत औरत आपके ज़िंदगी में आएगी, ऐसा आपको मानना चाहिए। वो प्रेमिका भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, मित्र भी हो सकती है। स्त्री इसका उल्टा समझें, मतलब उनके जीवन में कोई पति भी हो सकता है और प्रेमी भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है। कौवा अगर कोरम कोरम बोलता है या कोरंग कोरंग बोलता है, इसका मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके पास जितना पैसा है उससे बड़ा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, ऐसा मानना चाहिए। कौवा अगर कायो या बोलता है तो परदेसी आने वाला है, ऐसा आपको मानना चाहिए। इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि कोई गेस्ट आपके घर में आ सकता है। कौवा अगर कैकम कैकम बोलता है तो कोई आपसे मिलने आएगा, ऐसा आपको मानना चाहिए। कौवा अगर क्रोम 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 बोलता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में मांगलिकता आएगी, मंगलकारी घटना आपके जीवन में आ सकती है, मंगल ही मंगल होगा, ऐसा मानना चाहिए, तो ये शुभ होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया स्पेशली कौवे की बोली से अपने जीवन का हाल जान सकते हैं आप कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको जानकर आप सावचेत भी हो सकते हैं, जो अशुभ घटनाएं हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और शुभ घटना को मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि मैं और आपके लिए किस तरह की वीडियो बनाऊं जो आपको लाभान्वित कर सकें। मेरे YouTube पर 5100 वीडियो हो गए हैं जो आपको तरह तरह से लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं। बस आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं खुलकर और आपको तरह तरह से लाभ की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह भी ले सकते हैं। मैं 23-24 साल की अनुभवी महिला हूँ और बहुत लोगों का भला कर चुकी हूँ, तो आप भी ये चार्जेबल सर्विस होती है, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए हमसे संपर्क करना पड़ता है। एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकती है। प्रोसीजर बहुत आसान होता है, बस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना पड़ता है और हम आपको परामर्श देते हैं। हम आपको जन्मपत्री बना के नहीं भेजते, बस प्रेडिक्शन ही करते हैं। तो प्रेडिक्शन भी आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको दिशा दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला आजकल बहुत मेहनत से मिलता है और चार्जेबल सर्विस हो गई है आजकल, तो आप इस सर्विस का लाभ उठाइए। और नॉमिनल से चार्जेस होते हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो मेरे अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं और मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक का बटन करना मत भूलिया करिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरा नाम है डॉक्टर रूमाश्री और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित और वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी से संबंधित। इनसे आपको बहुत लाभ होता है, ये आपके प्यारे प्यारे कमेंट के द्वारा मुझे ज्ञात हो रहा है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।